सत श्री अकाल, अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर, तो अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दी खास खास खबरों पर। लाल किला हिंसा बारे वड्डा खुलासा, किसानों से लगे दोषों तो भड़के रुलदू सिंह मानसा। मोदी तो बाद हुण किसानों के निशाने से कैप्टन पलके पटियाला वाल कूच। कैप्टन ने कहा कोविड-19 खिलाफ लड़ाई में नौजवानों नूं कीता जावे शामिल। पंजाब विच 10 जून तक वधाईयां करोना पाबंदियां। ते पट्टी विच दो नौजवानों की गोलियां मार के हत्या, एक गंभीर जख्मी। ते हुण इन्हां खास खबरों का विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। दिल्ली की 30,000 अदालत विच लाल किला हिंसा विच चार्जशीट दायर की गई। उस चार्जशीट विच पुलिस ने खुलासा किया है कि इसे वरे 26 जनवरी नूं लाल किले उत्ते कब्जा करके उत्ते पक्का धरना लाने लई किसान बहुत सोची समझी साजिश अधीन पुजे सन। इस चार्जशीट विच ए भी कहा गया कि किसानों वालों वड्डी तादाद विच ट्रैक्टर खरीदे गए ते 26 जनवरी का दिन इसलिए चुनिया गया तां कि सरकार नूं बदनाम किया जा सके। इस चार्जशीट विच उन्हां दिल्ली विचों हिंसा भड़काउण लई किसान नेतावां खिलाफ दोष दायर किए। इस मामले ते किसान आगू रुलदू सिंह मानसा ते प्रेम सिंह गहलोत ने कहा कि क्राइम ब्रांच दिल्ली वालों जो चार्जशीट विच किसानां ते दोष लगाया गया है वह बेबुनियाद है, जबकि सरकार अजिहियां चालां चल के किसान अंदोलन नूं बदनाम करना चाहती है। मेरा ख्याल है भी असी 40-45 साल तो 50 साल तो असी संघर्ष लड़दे रहे हों, सारे अंदोलन साढ़े शांतमई ने, कितने भड़काऊ अंदोलन नहीं करिया। कोई असी मतलब दिल्ली जिदे नारा दिता है किसानों को, एक नारा देना पै गया सानू जिहड़ा सरकार ने तीन जे कह दिए भागवें कानून लियांदे, देश विरोधी कानून ने, ते बिजली एक्ट लियांदा ते पराली एक्ट लियांदा, उहदे विरोध च असी किसानों कहा भी दिल्ली चलो साडा नारा सी। तां जदों असी दिल्ली दीआं हद्दां ते पहुंचे तां सरकार ने सानू उत्थे रोक लिया ते असी उत्थे शांतमई बहि गए। 11 सरकार नाल मीटिंगां होईयां ने गईयां, फिर साडी सरकार नाल गलबात हुई भी असी परेड करनी है, असी पूरी जिथों की सानू प्रशासन ने कहा भी तुसीं इत्थों दी परेड कर सकदे, असी साडे मन के गल सारी जिथों की सानू लंघाया प्रशासन ने उत्थों की लंघिया, उत्थों के लोगों ने साडे ते फुल वरसाए ने गे, सानू खाण पीण का प्रबंध किया गा। 32 किसान जथेबंदियां दे लीडर 32 दे 32 असी उत्थों की लंघ के आपदा मार्च किया है। जे कोई लाल किले ते गया है वह बाहरलियां शक्तियां गई हैं, साडा कोई नहीं वो संबंध तो ना असी जाना सीगा, कोई प्रोग्राम असी कल्ली परेड करनी थी जिथों की सानू प्रशासन ने कहा असी परेड करके आए हैं। ट्रैक्टर सानू लेने क्यों पे उल्टा तो साडे गल उल्टी गई है ट्रैक्टर वाली, जो गल कह दिए हरा इनकलाब आया, हरा इनकलाब के नाल खेती च पैदावार वाधा किया गा, जदों हरे इनकलाब नाल खेती वधाई है असी घट्टो घट्ट 1,30,00,000,00,000 की वाधी है देश की। ये 1967 तो ही असी ट्रैक्टर लेने शुरू करे ने गे, असी बिल्कुल मानते हैं कि अज खेती दे विच पंजाब दे विच घट्टो घट्ट 12,00,000 ट्रैक्टर काम कर रहा है। तो ये ऐ नहीं है भी असी कि कोई किले दिल जाण वास्ते लए ने गे, हाँ जरूर असी आपका राशन धर के ट्रैक्टर से लेके गए, इस गल तो कोई मुकरांगे नहीं, 5-5, 6-6 महीने का राशन लेके गए हाँ, उत्थे लगे हाँ, गाहां ना असी ट्रैक्टर लगे हाँ जितों की सानू सरकार ने कहा उतो गलत है। ये बिल्कुल गलत कहते हैं प्रशासन, कहता सरकार कहती है भी इन्होंने किले दिल जाण वास्ते ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर असी खेती करने वास्ते लए हुए ने, कोई अज दे नहीं लए, 1967 च लैने शुरू करे नहीं तो अज तक ट्रैक्टर ही लै रहे हैं। देखो जे मतलब जां तां सरकार सोचती होंगी भी अंदोलन बारे की करना होंदा है, जां जे लीडर बाहर होण उह सोचदे लीडर किवें मतलब किहड़े तरीके नाल संघर्ष लड़ना है, जे फड़ के लीडरां दे परचा दे के अंदर करनगे फिर तो साडी मगरली लीडरशिप ने सोचना ते लोकां ने सोचना भी किहो जिहा संघर्ष करना है, फिर तो उन्हां दे सिर ते हुंदा उह सोचणगे। केंद्र विच भाजपा दी सरकार तो बाद हुण पंजाब दी कैप्टन सरकार किसानां दे निशाने ते आ गई है। भारतीय किसान यूनियन कोरोना की जंग विच कैप्टन सरकार दे असफल रहण ते अधूरे वादियां विरुद्ध 3 रोज़ा रोस प्रदर्शन करन जा रही है, बल्कि हजारां किसान पटियाला विखे मुख्यमंत्री दी रिहायश दे बाहर धरने ते बैठणगे। इस दौरान किसान विधानसभा चोणां तो पहलां कीते सरकार दे वादे पूरे करन लई सूबा सरकार ते दबाव बणाउणगे। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे मुखी जोगिंदर सिंह दा कहना है कि कैप्टन सरकार ने अजिहा कुछ नहीं कीता जो कोरोना तो बचा लई करना चाहिदा सी। देखो साढ़े नालों ज़्यादा तुहानू पता, तुसीं मीडिया वाले हो, कल असीं काला दिवस का सद्दा दिता सी, उह पंजाब दे विच हिंदुस्तान दीआं दूजीआं स्टेटां दे विच किन्ना हंगारा मिलिया तुहानू वी पता ते सानू वी पता, जिवें सानू पंजाब दे विचों हंगारा मिलिया पंजाब दे लोकां ने, हिंदुस्तान दे लोकां ने, दूजीआं स्टेटां दे लोकां ने, दूजे इदारिआं दे लोकां ने, दूजीआं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जिवें सानू हंगारा दित्ता है, सानू इह लगदा है भी अंदोलन तरोताजा अंदोलन ढिल मठ
जिस तरीके दे नाल 26 जनवरी तो बाद 26 जनवरी तो बाद जिहड़ी घटना होई उस तो बाद क्योंकि पहला दिल्ली दे लोकां वल्लों बड़ा समर्थन मिल रहा सी कि अज भी दिल्ली दे लोकां वल्लों समर्थन पूरा मिल रहा तुहानूं। देखो 26 जनवरी नूं आप समझदे की हो, तुसीं 26 जनवरी नूं इह समझदे हो वी 26 जनवरी नूं कोई कोल समाप्त हो गया सी वी दुबारे स्टैंड कीते ने। ਉਹ ਇੱਕ ਅੜਚਣਾ ਨੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਰਾਅ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਤਾ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਔਂਕੜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਪਲੈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਪੋਲਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੱਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 7 ਪੇਂਡੂ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਓਪੀਡੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 500 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ 1 ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਮਨ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਨੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ DSP ਪੱਟੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲਾ ਬਲੇਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਵਾ 6 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਦਿਆਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੱਟੜਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ? ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਮਚੇੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। DSP ਪਾਤੜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਨ ਆਫ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
एक उन्हों का लड़का है चरणजीत सिंह सरों बलबीर सिंह उसकी एज हैगी 25 साल उन्हों का मर्डर हो गया फायर मार के दोनों के गोलियां मार के मर्डर होया इन्हों का जमीन का झगड़ा सी दो कु एकड़ का तो एक इन्ह का लड़का सीगा होर बलबीर सिंह का करमजीत सिंह उदे ते भी फायर किया वो बचा हो गया वह कट्टड़ है तो उदे बयान ते असीं FIR दर्ज कर लगे हैं FIR दर्ज कर रहे हो तो कोई मौके पर अरेस्ट होया नहीं अजे उन्हां बारे असीं जल्दी काबू कर लाँगे तो वो इन्ह के गुआढ़ी होने इन्हों डिस्प्यूट चलता सी एक तां खविंदर सिंह खिंदा एक गुरलाल सिंह है एक करनैल सिंह बारे पता लग्या बाकी अजे उन्हां दी स्टेटमेंट तो बाद सारी स्टोरी का पता लगेगा भी होर कौन कौन बंदे इहदे विच इनवॉल्व ने ते असीं FIR दर्ज करके जल्दी उन्हां नूं राउंडअप कर लाँगे। हुशियारपुर के कस्बा माहिलपुर के नज़दीकी पिंड टूटो मजारा के बाहरवार खेतों में सुते पे एक बजुर्ग किसान का आण पछाते व्यक्तियों वालों तेज धार हथियार नाल कतल कर देने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलदिया ही ACP तुषार गुप्ता ते थाना माहिलपुर के SHO सतविंदर सिंह पुलिस पार्टी समेत मौके ते पहुंचे ते घटना की जांच शुरू की। इस संबंधी जानकारी देंदिया ACP तुषार गुप्ता ने दसिया कि मृतक हरभजन सिंह पिंड टूटो मजारा का रहने वाला सी ते रोजाना रात नूं खेतों विच ही सौंदा सी। उन्होंने दसिया कि जदों अज नाल दे खेत का मालक खेतों वाल आया तो उसने हरभजन सिंह दे पशु खुले हुए देखे। जदों उसने होर अगे जाके वेख्या तो हरभजन सिंह दी खून नाल लथपथ लाश मंजे ते पई हुई सी। उन्होंने दसिया कि फिलहाल कतल दे कारणा दा अजे कुछ भी पता नहीं लग सकिया। जांच शुरू कर दी गई है ते जल्दी ही दोषियों नूं काबू कर लिया जाएगा। सर क्या मैटर है ये? टूटो मजारा पिंड में सानू सुबह इन्फॉर्मेशन मिली कि एक हरभजन सिंह नाम के बंदे की डेड बॉडी मिली है। असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि है अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया जा रहा है। सर जिस तरह मझां वगैरह बैफलोज खुली हैं सीगियां वो उदे तो लगता कोई मझ चोर ग्रोह भी हो सकता? नहीं मझ चोर वाली गल मैं अब तक तो वेरीफाई नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन जब चलेगी तब सानू पता लगेगा की है उसी अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देंगे। तो केस रजिस्टर कर रहे हैं? केस रजिस्टर किया जा रहा है। कुछ पता लगा कि सर हथियार वगैरह से हुआ? नहीं हजे ब्लंट वेपन लग रहा है बट बाकी पोस्टमार्टम के नाल सानू और क्लैरिटी आएगी क्या है क्या नहीं था। ठीक है थैंक यू। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने एक अहम ऐलान करदिया पार्टी की 77 मैंबरी राजसी मामलों बारे कमेटी का ऐलान कर दिता। पार्टी के मुख दफ्तर तो इस बारे जानकारी देंदिया पार्टी के सीनियर मीत प्रधान ते बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने दसिया कि अज ऐलानी गई राजसी मामलों बारे कमेटी विच पार्टी के सारे सीनियर ते मेहनती आगुआं नूं शामिल किया गया है। उन्होंने दसिया कि PAC विच बीबी सतविंदर कौर तालीवाल सुरेश सहगल साबका मेयर जलंधर सरदार प्रीतम सिंह बस्ती मिठू जलंधर आदि के नाम शामिल ने। उत्थे ही दूजे पासे अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अज अबोहर विखे 10 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर सने होर समान जो कि कोरोना पीड़ित मरीजों की जान बचाने लाहेवंद हुंदा है नूं लोकां दी मदद लई देण लई शुरुआत की। इस मौके ते बादल ने कहा कि अबोहर इलाके दे जाखड़ परिवार ने करीब 50 साल इस इलाके ते धक्के नाल राज कीता पर अज भी इत्थे सेहत सुविधावां दी घाट ते कोरोना दी इस महामारी दौरान ऑक्सीजन दी कमी नूं वेखदिआं अकाली दल ने ऑक्सीजन सेवा शुरू कीती है। पार्टी दे प्रधान सुनील जाखड़ का अपना हलका जद्दी हलका है। इन्हां दे परिवार ने लगातार मतलब 40 साल 50 साल इत्थे धक्के नाल राज कीता है। इत्थे मेरे सारे लोकां ने क्योंकि मैं मैंबर पार्लीमेंट भी हैं ते मैनू टेलीफोन आए कि इत्थे हस्पताल विच ऑक्सीजन की बड़ी कमी है इत्थे कोई मेडिकल फैसिलिटी भी है नहीं बहुत जाना जा रही लोग पिंडां विच खास करके बड़े बीमार हो रहे हैं। सो असी श्रोमणी पिछले 5-7 दिन पहले मैं श्रोमणी अकाली दल तरफों असी ऑक्सीजन सेवा शुरू कर दी है घर घर पहुँचाई ऑक्सीजन सेवा। सो तकरीबन 500 मशीनां असी बाहरों इंपोर्ट कीतियां ते मशीनां आ भी गई हैं 10 हल्कों च सेवा शुरू हो भी गई है ते अज असी अबोर हल्के विच आ सेवा शुरू कर लगे हैं। आ 4 टेलीफोन नंबर है
जेडे थोड़े असी मैं दसना चाहना हेल्पलाइन नंबर जिथे तुम टेलीफोन कर सकते हो आ नंबर मैं अखबार में बेनती करा सारे रिपोर्टर ने तुसी आ नंबर जरूर तुसी अपने टीवी राही या अपने अखबार राही छापियो नंबर हैगा 9877557622 आ पहला नंबर है दूजा नंबर है 9216100174174 आ हैगा दूजा नंबर तीजा नंबर है 9815585054 ते चौथा नंबर है 9872208044 जिसनों भी कोई ऑक्सीजन की घरे बीमारी की कोई ऑक्सीजन घट लगती है तुसी साढ़े इस नंबर विच टेलीफोन करो साढ़े जिहड़ी टीम है अद्धे घंटे के अंदर अंदर कोशिश करांगे थोड़े घरे आ मशीन ला के थोनू ऑक्सीजन देना शुरू करन दी असी प्रयत्न शुरू थोनू कर दांगे सर थोनू एक दूजी गल मैं कहना चाहना अबोर हलका जिवें मैं कहा है कि जाखड़ परिवार का उन्होंने इत्थे लगातार इत्थों सेवा की है सेवा की कीती है मैं कहना जे तुसी अज देखो चार साल हो गए पौने पांच साल छे महीने रह गए सरकार दे जो बुरा हाल इत्थे है जो काम मैं शुरू करा के गया सी इन्होंने जान के पहले रोकी रखे चार साल इट नहीं लगन दिती जान के बदला लैन वास्ते अपने बोर हल्के दे लोकां तो हुण छोड़ा शुरू किया चार साल बर्बाद करते पर मैं अबोर हल्के वालों नूं विश्वास दवाना आ तुसी बड़ा मैनूं मान दिता ते 6 महीने बाद तुसी मेहर करियो सरकार अपनी बना दियो एजा खूबसूरत शहर बना दांगे एक इंडस्ट्रियल मेडिकल हब बना देंगे एंड तुसी जानते हो कि अज तक मैं जो किया मैं पूरा किया तो इस करके आपू हूँ ज़्यादा एक होर भी गल दसना चाहना अबोर वाले कि जरा जाखड़ है इन्हें पुलिस वरत के अफसर वरत के इन्ने लोगों के परचे कराए इन्ना जुल्म किया गरीब न घरों क्ढ़िया परिवारों घरों कड़ दिता है मैं थोनों अबोर वाले दसूँगा थोनू इंसाफ मिलेगा तो जाखड़ भुगतना पैना अपने जुल्म की जो किए जरूर भुगतना पैना जो सरकार बदली होर कोई गलबात किसने करनी पंजाब के सारे जिलों में अज तो दफ्तरी बाबुआं वालों आण मिथे समय लई काम बंद कर दिता गया है इस तो पहला ये बाबू सोमवार तो बुधवार तक दफ्तर समूहिक छुट्टी लैके हड़ताल उपर चले आ रहे सन ते आण मिथे समय लई समूहिक छुट्टियां लैके हड़ताल कायम रखने का फैसला पंजाब राज दफ्तरी कर्मचारी यूनियन की सूबाई मीटिंग विच बुधवार देर शाम नूं लिया गया सी वेरव्या मुताबक जथेबंदी दे इस फैसले अनुसार अज सारे पंजाब विच ए हड़ताल आरंभ हो गई है जिस नाल दफ्तरां दे काम काज प्रभावित होण लगे ने उत्थे ही अपनियां हक्की मंगां ते दफ्तरी स्टाफ वल्लों कोविड दौरान बेतरतीबियां ड्यूटियां लगाउण दे विरोध विच मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्करां ते हैल्थ इंस्पैक्टरां दी यूनियन वल्लों सब डिवीजनल हस्पताल मूनक विखे रोस धरना दिता गया इस दौरान SMO विरुद्ध नारेबाजी कीती गई ते मंग पत्र भी दिता गया समूह पैरामेडिकल यूनियन MPW मेल SI साहबान सारे मतलब कि इस करोना महामारी की जदों हनेरी झुल रही है असी उस दे विच अज रोस धरने ते बैठे हाँ क्योंकि साडे जिहड़ा केटर है साडे नाल बहुत धक्केशाहियां हो रही ने साडे तो लगभग 10-12 ड्यूटियां लईयां जा रही ने ते साड़ियां ड्यूटियां भी उरां परां कीतियां जा रही ने जिस विच के जिहड़े साडे वर्कर ने जां SI ने उन्हां नूं बहुत दिक्कत आउंदी है जिवें सपोज करो हुण तुसीं रत्ते खेड़े कोई डैथ होगी ते बंदा इधर गनौटे नाके ते काम कर रिहा ते उहनूं कहा जांदा वी जा तूं उत्थे संस्कार करा के आ उस तों बाद विच ही आ जांदा वी तुसीं फलानी जगह पॉजिटिव केस आ गए जी उहनां नूं फतेह किट दे के आओ उहनां दा रिकॉर्ड लै के आओ उहनां दी ट्रेसिंग लै के आओ मतलब कि बहुत थोड़े समय के बहुत ज़्यादा काम का भार साढ़े ते पाया गया तो जबकि हुण एक फ्रैश सानू इनफॉर्मेशन आई है साढ़े बंदे SDM साहब नूं मिलन गए सी SDM साहब ने मतलब कि जमें ही पल्ले ही चकता वो कहिंदे भी थोड़ा तो कम ही है नहीं थोड़ा तो कम ही नहीं लै कोई थोड़ी रिपोर्टिंग नहीं हो रही ये नहीं हो रही वाह नहीं हो रही जबकि तुसीं नाके ते जाके खुद चैक करके आए हो
सारे साढ़े मुंडे उत्थे दिन रात मर रहे ने, सैंपल कर रहे हैं। जो लोगों के असी सैंपल वास्ते रोक रहे हैं लोगों, लोग साडा गलावां फड़ते हैं, सानू धीआं भैणां दीआं गालां दिंदे ने, सानू कहिंदे तुसीं धक्के नाल सानू फड़ के साडा टैसट कर रहे हो, टैसट करके सानू पटियाले भेजोगे, उत्थे असी मुरदा रूप दे विच आवांगे। सानू बहुत कुछ सुनना मिल रहा लोगों वालों, पब्लिक वालों भी, तो उपरों सानू जिहड़ा डिपार्टमेंट है वह प्रताड़ित कर रहा है। सो इस असी रोस वजों असी अच्छ सारा काम छड के बैठे हाँ, असी कोई काम नहीं करना जब तक साडा कोई पक्का हल नहीं निकलता। तो बाकी असी दूजिया ब्लाकों जो भी पता किया है कि काम जिहड़ा हैगा है, ये होर डिपार्टमेंट भी इनवॉल्व ने, जिवें पटवारी हो गया, टीचर हो गए, आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, तो उन्होंने कुछ सैक पंचायत सैकटरी हो गए, उन्होंने असी सानू महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया सैंपल करद्या करोना का काम करद्या, कोई भी बंदा साडे लवे हाजिर नहीं होया। उल्टा सानू 2 बजे फोन करके ये पुछते हैं थोड़ा नाका कित्थे, तुसीं काम कित्थे कर रहे हो। असी कहा भी असी सैंपलिंग करके असी जा चुके हैं, तो उल्टा फिर उच्च अधिकारियों को शिकायत करते हैं कि नाका तो लगी नहीं जी, थोड़े तो बंदी उत्थे है नहीं। सो ये निजाम सारा चल रहा है, तो इस तो जाणू करवाने वास्ते असी अपनी प्रॉब्लम लैके अच्छ बैठे हुए हैं। जिन्ना चिर साडा कोई पक्का हल नहीं हुंदा, असी इस धरने तो नहीं उठांगे, इस रोस तो नहीं उठांगे। तो इन्ना कहिंदा होया मैं, समस्या च दोषी कौन है? दोषी इहदे विच तां सारा प्रशासन ही है जी। चलो फिर कुछ नाम होंगे ने जिहड़े, एक तां देखो एस एम ओ साहब नूं असी पहलां भी रिटर्न च दिता सी, इस तो पहलां भी साडी ये प्रॉब्लम है भी इन्हां नूं हल किया जाए, लेकिन उन्होंने सानू एट द स्पॉट किया भी ये जल्दी हल होणगे, लेकिन उहदा कोई रिजल्ट सानू नहीं मिलिया। क्योंकि साडी देखो कम तां असी भी एस एम ओ दे अंडर करदे हां, दफ्तर भी एस एम ओ दे अंडर करदा है, असी तां लड़ाई कुर्सी नाल है, असी तां मुखी नूं कहना है, एक पोता अपने प्यो नूं ही कहूगा भी मैनूं ये प्रॉब्लम है। असी तां सीधा एस एम ओ नूं ही टारगेट करदे हां कि उन्होंने साडीआं मुश्किलां वल ध्यान नहीं दिता, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਖੀਰਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੀਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੂ ਲੋਪੋ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆ ਜੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ 1-2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ 10-12 ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਰੋਸੇ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਸੀਗਾ,
क्योंकि जेडे इत्थों दे साडे साबका इंचार्ज सीगे उन्होंने जेड़ा ये फैसला ये पार्टी प्रधान साहब तो करवाया, पर जदों असीं यही गल करी आ वी जेड़ा पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल तो ये फैसला करवाया गया ये चंद लोकां वल्लों अगे आने वाला समा दसूगा इन्हां नूं खुद नूं ही पार्टी प्रधान साहब नूं इस गल का जवाब देना औखा होगा, क्योंकि इन्होंने उन्होंने दस्या गया भी असी सर्वे करवाया, पर अज इतने समराले हल्के का कला कला वोटर कला कला वर्कर ये गल तो चंगी तरह जाणू भी जे इतने सर्वे होया हों तो जिस शख्स नूं अज इतों का हलका इंचार्ज लगया गया उसका नाम कदे भी नहीं सी जे चंगी तरह नाल स्पष्ट रूप दे विच इह सर्वे होया हुंदा। इन्हां ने आपदे आप ही सारी बुणती ताणा बुणा बुण लिया ते जाके पार्टी प्रधान साहब नूं इह कहता जी भी असीं सर्वे करवाया इहदे विच इहदा ही नाम आया, पर वो जदों हुण रिजल्ट आउणगे उदों पता चलेगा। अगलियां विधानसभा चोणां 5-6 महीने रह गए ने, तुहाडा फिर उस समय सियासत तौर ते तुसीं बड़करां कोल जाओगे पार्टी दे इस उम्मीदवार लई काम करोगे? साडी स्पष्ट है जी, ना असीं इहदी रहनुमाई मन्नी आ ते ना कल मन्नांगे। 117 हलकियां दे विचों जिथे भी सानू पार्टी कह दूगी 116 हल्के बचते ने समराला छड के, उत्थे जिथे काम करन नू कहणगे जिथे साडी ड्यूटी लाउणगे तनदेही नाल निभावांगे, पर इस दे नाल असीं बिल्कुल भी जाणा नहीं, उस दे नालों सानू घरे बैठना मंजूर। इस दे नाल ही अजीत खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है, कुछ होर नवीं खबरां नाल फिर तो हाजिर होवांगे, तद तक लई आग्या दिओ, सति श्री अकाल। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।